नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और मैं हूँ यति आपके साथ। हम आज आप पहुँचे थे गांधी मैदान है पटना में, वहाँ पर ज्ञान भवन है जहाँ पर मखाना का जो है वो उत्सव लगाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे जगहों से आप देख सकते हैं, ठीक मैं दिखाना चाहूँगी आपको, यहाँ पे बहुत सारे मखाने के स्टॉल है जो बिहार के अलग अलग राज्य से आए हैं। और ऐसे ही हम घूम रहे थे तो हमारी नज़र एक स्टॉल पे पड़ी, जहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे मौजूद हैं वो किसान जिन्होंने खुद खेती की और उनके साथ जो पार्टनर है। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। या मेरा नाम आशीष झा है जी। और मैं मधुबनी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और हम लोग और ये हैं हमारे। हाँ, आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम महेश मुखिया है, मैं दरभंगा भागलपुर कपछाही गांव से हूँ, पैसे से किसान परिवार से हूँ, जैसे मखाना का मैं खेती कर रहा हूँ। तो आप खुद खेती करते हैं, आप अपने खेत में उपजाते हैं, तो ये एक मतलब किस तरीके से खेती होती है? इसको खेती करने के लिए अभी नवम्बर माह जो चल रहा है, जैसे कि मखाना जी आप देख सकते हैं, ये मखाने के बीज हैं जो सीड है, जैसे देख रहे हैं कि अभी जर्मिनेशन हो रहा है तो इसको अभी हम लोग तालाब में बुआई कर देंगे। जनवरी और फरवरी, जनवरी में इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और फरवरी में इसका पौधा तैयार हो जाएगा। मार्च माह में इसको हम लोग ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई करते हैं, यानी कि एक मीटर की दूरी पर इसको तालाब में, हाँ तालाब में हम लोग पानी में रोपाई कर देते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कि मैंने जून जुलाई में अगर पानी का कमी हुआ, तालाब में पानी घट गया, तो हम लोग बोरिंग पंप सेट से पानी भी डालते हैं, कम से कम इसमें एक फीट से डेढ़ फीट। तो आप लोग इसके लिए स्पेशली तालाब बनवाते हैं या फिर तालाब में? हम लोग तालाब में करते हैं, तालाब में करते हैं। आप लोग इसके लिए, आप लोग वो तालाब की व्यवस्था आप लोग खुद करवाते हैं? नहीं नहीं, अपने अपना भी निजी भी कुछ है, कुछ किसान से भी लीज पर लेते हैं और जो बिहार सरकार का बंदोबस्त जलकर है। हम लोग हमारे यहाँ माने एक एक 100 एकड़ का, 50 एकड़ का, 25 एकड़ का एक एक तालाब है, उसमें हम लोग मखान खेती कराते। तो मतलब खेती के लिए ये बिहार सरकार द्वारा करवाया जाता है, फाइनेंस इसको करवाया जाता है सर, ये इसके लिए बिहार सरकार आपको देती है राशि? जी 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 जी। तो किस तरीके से प्रोसेस होता है आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? इसको अक्टूबर नवम्बर माह में हम लोग इसको हार्वेस्टिंग करवाते हैं, पानी से निकलवाते हैं। उसके बाद इसको पानी से निकलवाने के बाद इसको पहले हम लोग सुखाई करते हैं, धूप में सुखाया जाता है, यानी कि 3-4 घंटा इसको सुखाते हैं। इसको हम लोग चेक करते हैं कि सूख सूख गया तो भी इसको रोस्टिंग करते हैं, और रोस्टिंग करके फिर इसको हम लोग 24 घंटा छोड़ देते हैं, और 24 घंटा के बाद फिर उसको भून करके लकड़ी का हामर से फोड़ कर मखाना लावा तैयार होता है। लावा तैयार करने के बाद उसको हम लोग हॉलर में सफाई करते हैं, मतलब जब तैयार होता है उसके बाद फिर एक प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हैं, हम जानना चाहेंगे ये पैकेजिंग हम देख रहे हैं, ये अलग अलग पैकेजिंग है। तो पहले हम हॉलर करके इस तरह मखान को सफाई कर लेते हैं, इस सफाई हो गया उसका ग्राइंडिंग करते हैं, जैसे कि 7 सूता मखान अलग निकालते हैं, 6 सूता अलग निकालते हैं, 5 सूता अलग निकालते हैं, 4 सूता अलग निकालते हैं। तो ये पता कैसे चलता है आप लोगों को क्वालिटी? हाँ, क्वालिटी चलनी है, जैसे हम लोग नज़र से भी देख सकते हैं, तो कहेंगे तो आप लोग नज़र से आप लोग पहचान लें जी, वैसे चलनी से ग्राइंडिंग करके अलग कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम अभी जो बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि मखाना का अभी शिशु आहार हम बनाए हैं सर। ये शिशु आहार है, मतलब ये बच्चों के लिए है, जैसे बच्चों के लिए सेडलिंग और ये सब होता है वैसे ही? 6 माह के बाद बच्चा को, जैसे कि इसको हम यूज कर सकते हैं कि गर्म पानी में या गाय के दूध में मिलाकर बच्चा को दे सकते हैं, इस शिशु आहार है। शिशु आहार जी जी। इसके बाद मखाना बीटा हम बनाए हैं। हाँ, वो जरूर हम देखना चाहेंगे, इसमें क्या, इसकी क्या खासियत है? इसका क्या खासियत, जैसे अभी हम मार्केट में जो बोन बीटा यूज कर रहे हैं, अगर इसको चेक किया जाए सर, तो इसके आगे में बोन बीटा कुछ नहीं है, मतलब ये उससे ज्यादा पौष्टिक आहार है बच्चों के लिए। मखाना को बनाए हैं इसलिए ये बहुत अच्छा है, और ये इसलिए अच्छा है कि इसमें मखाने का जो बीज है कच्चा उसका कि नहीं, इसमें आटा डाला गया है जो मखाना से ज्यादा न्यूट्रिशन होता है जी। और भी है सब कुछ, हम मखाना ये खीर हम बनाए हैं, ये मखाना खीर बनाए, इसको गरम दूध में। इसकी प्राइस क्या होगी, आप इसका करके सबका प्राइस बता देंगे और कितने क्वांटिटी है इसका? जी, इसको हम मान लीजिए कि 200 ग्राम का पैकेजिंग किए हैं, इसका कीमत है कि 180 रुपया जी। ये मखाना बीटा है, ये 200 ग्राम का है, इसका कीमत 200। ये बॉर्न बीटा के ऊपर आपने ये नाम रखा है? जी जी जी, जी, जी। बनाए हैं उस तरह का, उससे अच्छा क्वालिटी, क्वालिटी बेस है, 200 ग्राम का है, 160 रुपया इसका कीमत रखे हैं। उसके बाद मखाना खीर है, ये भी 200 ग्राम का पॉकेट है, इसका भी कीमत 160 रुपया है, 160 है। और ये क्या है, ये पैकेजिंग, ये छोटा, इसका क्या है मतलब? इसके बाद मखाना आटा है, आटा मतलब इसे रोटी बन सकती है? नहीं, रोटी नहीं, जैसे हम लोग गेहूँ का रोटी यूज कर रहे हैं,
गेहूं का आटा अगर एक किलो परिवार में यूज कर रहे हैं तो 50 ग्राम इसको उस आटा में मिलाकर तो ये वो ज्यादा पौष्टिक आहार बनेगा। उसके बाद सब्जी बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं, एक दो चम्मच उसमें डाल देंगे, स्वादिष्ट भी अच्छा हो जाएगा और जो कैल्शियम का हाँ, जो वो भी कम। एक चीज मैं बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे मखाने में ये पूरा मखाना तालाब का है, ऑर्गेनिक तरीके से होती है, ऑर्गेनिक यस, इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। मखाना दो पद्धति से उगाया जाता है, जी, एक फील्ड सिस्टम एक पॉन्ड सिस्टम। फील्ड सिस्टम में पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल फर्टिलाइजर लाइक यूरिया वो सब डालते हैं, मगर इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, ये ऑर्गेनिक वे में ही ये पूरी तरीके से मतलब केमिकल इसमें 1% भी नहीं डाला गया नहीं, है। कुछ नहीं, केमिकल फ्री है ये, केमिकल फ्री। इसलिए जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे सभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कर आप समझ सकती हैं, जी, और इसको टेस्ट भी किया जा सकता है, ये भी मैं इन्हें वॉच कर सकता हूँ। आप इस पे एकदम बोल रहे हैं कि ये कम्प्लीटली वो, हम इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे ये क्या है। ये मखाना खीर है जी, जैसे कि जो टेस्ट के बारे में अच्छा, ये पैकेजिंग में है और ये पैकेजिंग इसको हम टेस्ट कराने के लिए थोड़ा फारे हुए हैं, आप भी चेक करिए और रिपोर्ट दीजिए कैसा टेस्ट है। बिल्कुल हम जरूर टेस्ट करना चाहेंगे, थोड़ा चेक कीजिए। तो देख रहे हैं आप, मैं टेस्ट कर रही हूँ, मैं बताऊंगी अपने दर्शकों को जी। बिल्कुल मतलब अगर आप इसको दूध में मिलाकर खाएं तो सही में वाकई ये खीर वाली फ्लेवर दे रही है, वाकई ये बहुत ज्यादा टेस्टी। जो मखाना बीटा है, अगर ये बीटा बॉर्न बीटा का यूज किए हुए हैं, जी जी बिल्कुल, बचपन में हमने बहुत पिया है, थोड़ा ये अभी भी तो हम इसे भी जरूर टेस्ट करेंगे और जान देखेंगे इसका टेस्ट। ये काफी ज्यादा चॉकलेटी फ्लेवर दे रहा है, ये फ्लेवर में बहुत है। इसका तो टेस्ट हम नहीं बता सकते हैं, बट लेकिन देखिए अब देखिए। हाँ जी बिल्कुल, एक्चुअली सही में मैं बता रही हूँ अपने दर्शकों को, ये सेडलेक वाला ही फ्लेवर दे रहा है बिल्कुल। मैं और भी हम जानना चाहेंगे मतलब ये पैकेजिंग जिस तरीके से आपने किया, तो इसमें फ्लेवर्स हैं या फिर फ्लेवर है, ये कौन से फ्लेवर का है? ये फ्लेवर है जी जी। आपको हिमालयन पिंक सॉल्ट। हाँ तो ये क्या है, मतलब क्या खासियत है इसकी? ये रोस्टेड है, ये रोस्टेड है, रोस्टेड है हिमालयन सॉल्ट में, उसको इसको रोस्ट किया गया है तेल वगैरह डाल करके, उस तरह का है ये, अलग अलग फ्लेवर। तो हमें प्राइस आप एक बार बता देंगे? इन तीनों का तो हमने जान लिया, ये बड़े पैकेट में है, इसका हम प्राइस जरूर जानना चाहेंगे जी। इसका है ये 250 ग्राम का पॉकेट है जी, इसका प्राइस हम 150 रुपया रखे हुए हैं। 150 रुपया आपने रखा है जी। तो आप देख रहे हैं ये काफी बड़े क्वांटिटी में और काफी ज्यादा सहूलियत के हिसाब से इन्होंने प्राइसिंग भी की है। वो वाला पैकेट का दाम क्या होगा? ये 250 ग्राम पॉकेट है, ये साफ सुथरा प्लस मखाना है, इसका कीमत अभी हम 200 रुपये मैंने 250 ग्राम का, यानी कि 800 रुपये किलो। हम एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे, ये सरकार द्वारा फाइनेंस कराया जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस आप लोग करवाते हैं, किस तरीके से आप लोगों को मूल राशि दी जाती है? देखिए अभी हम लोगों को सरकार द्वारा कोई ऐसा ये नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मेरा ये बैनर है फार्मर्स ऑर्गेनिक इनोवेशन LLP, ये हमको जैसे कोरोना टाइम में जो प्रवासी मजदूर वापस आया बाहर से, तो हमारे दरभंगा जिला में 5 उद्योग आया था प्रवासी मजदूर को रोजगार के लिए, उसमें एक मखाना यूनिट के लिए हमको मिला, जिसका नाम मैं श्री मिथिला फार्मर्स ऑर्गेनिक इनोवेशन LLP रखे हुए हैं। इसमें मेरा उसके माध्यम से 10 लाख का यूनिट था, उसमें 5 लाख रुपये हम लोगों को मिला, उसमें एक माने पैकेजिंग मशीन जिससे हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं। हाँ तो हम पैकेजिंग को लेकर भी ज़रूर जानना चाहेंगे, किस तरीके से पैकेजिंग करवाते हैं? पैकेजिंग मशीन मंगवाए उस पैसा में से, उसके बाद जो पॉकेट देख रहे हैं ये पॉकेट से मंगवाए हैं। मेटेलिक पैक है, ये मेटेलिक पैक है, मतलब ये किस प्रोसेस, ये मशीन द्वारा ही होती होगी, किस तरीके से बनती है ये? ये जो है इसमें, तो आप ये पैकेजिंग अपने पास ही करवाते हैं या फिर आप बाहर से करवा के मंगवाते हैं? नहीं नहीं, अपने पास, अपने पास ही आपके। और ये जो बनता है ये अलग बनता है, इसमें मेटलिक, इसमें मतलब एयर भी अंदर नहीं जा सकता, नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो हम और भी जानना चाहेंगे अगर ऐसा कुछ है जो हम दर्शकों को बता पाए, जो काफी ज्यादा जी बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट जी बताइए। वी आर ए मेंबर ऑफ मोदी जीज कौशल्या फाउंडेशन। अच्छा, ये मोदी जी का कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव है फार्मर्स, ये नेशनल कोऑपरेटिव है, ठीक है। वी हमारे हमारे साथ में फार्मर्स लोग जुड़े हुए हैं जी। बहुत से फार्मर को हमने जोड़ा है, ताकि कि नहीं वो लोग कहीं भी दूसरे जगह नहीं जाएं, उनको सही रेट हम दे सकें। फाउंडेशन मोदी जी द्वारा चलाया गया है और इसके अंतर्गत ही आप लोग आ रहे हैं। या वी आर सेंट्रल गवर्नमेंट फाउंडेशन, मतलब कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव जी, उसका ये जो है ये कौशल्या फाउंडेशन जी जी।
तो हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि आज ये आखिरी दिन है यहाँ पे मखाना जो महोत्सव लगा है उसको, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो वाकई ये बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पे मतलब सही में कहा जाता है कि बिहार जो है वो खेती की भूमि है। तो हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर एक एक करके सारे स्टॉल्स पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टॉल्स में कुछ ना कुछ खासियत आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की तमाम बड़ी खबरों के देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।